गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे इनपरफेक्शन इन सॉलिड में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारे डिफेक्ट होते हैं ये मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट, और सेकंड टाइप होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। फिर हमने देखा कि जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है ये तीन टाइप का होता है। इसमें हम लोगों ने देखा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर हमने देखा कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को बेसिकली चार पोर्शन में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा बैलेंसी डिफेक्ट था, दूसरा इंटरस्टीशियल डिफेक्ट था, तीसरा था शॉटकी डिफेक्ट, और चौथा हमने पढ़ा फ्रैंकल डिफेक्ट। यहाँ तक की बातें हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज के लेक्चर में हमको क्या देखना है, आज के लेक्चर में हमको पढ़ना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और उसके टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इज फाउंड इन नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड क्या है? देखिए, इस डिफेक्ट के पाए जाने के बाद जो इसका एक्चुअल फार्मूला होता है, रिप्रेजेंटेड फार्मूला होता है, उससे इसमें केटायन और एनायन का रेशियो डिफरेंट रहता है। यानी कि इस डिफेक्ट के पाए जाने के बाद किसी क्रिस्टल में केटायन और एनायन का रेशियो बिगड़ जाता है, किससे, जो कि उसका एक्चुअल रेशियो होना चाहिए, या तो केटायन ज़्यादा होगा या तो एनायन। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ या अमाउंट ऑफ केटायन एंड एनायन, दिस डिफेक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड सेकंड डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। बात करें अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, तो मेटल एक्सेस, एक्सेस मतलब किसी चीज़ का अमाउंट ज़्यादा हो जाना, किसी चीज़ की मात्रा अधिक होना, और डिफिशियंसी का मतलब किसी चीज़ की कमी। यानी कि इस डिफेक्ट में मेटल, यानी मेटल को हम किससे रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, नॉर्मली कहते हैं मेटल वो है जो केटायन देते हैं, यानी मेटल का मतलब यहाँ पे केटायन से है। यानी कि ऐसे डिफेक्ट जिसमें केटायन ज़्यादा हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं, और ऐसा डिफेक्ट जिसमें एनायन ज़्यादा हो जाए यानी कि केटायन की डिफिशियंसी हो जाए, ऐसे डिफेक्ट को मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। बात करें अगर मेटल एक्सेस, हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पहला टाइप है। मेटल एक्सेस वर्ड से ये क्लियर हो रहा है कि जिसमें मेटल की अधिकता हो, या नंबर ऑफ केटायन इज मोर देन इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ एनायन, ऐसे डिफेक्ट में केटायन की संख्या ज़्यादा होती है। अब कैसे ज़्यादा हो सकती है, इसके दो तरीके हैं, या तो कोई एक्स्ट्रा केटायन आ जाए इंटरस्टीशियल पोजीशन पे, और या तो कोई एनायन अपनी पोजीशन छोड़ दे जिससे क्रिस्टल में केटायन ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाई एनायन वैकेंसी, यानी कि एनायन अपनी पोजीशन छोड़ दे और एक होल बन जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि क्या होगा बाई एनायन वैकेंसी में, देन आप ये नोट डाउन करिएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी क्रिस्टल से कोई एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के बाहर चला जाए, तो उस क्रिस्टल में केटायन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन टू एनायन। जब केटायन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी बिगड़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आके उस एनायनिक होल को कवर कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आके उस एनायनिक होल को कवर कर लेगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी फिर से मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि केटायन पॉजिटिव चार्ज हो करेगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो एनायन को बैलेंस कर देगा। इतनी चीज़ें क्लियर? यानी कि इलेक्ट्रॉन की नीड क्यों पड़ी? इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन जब वो एनायन अपनी पोजीशन छोड़ा था, तो कहीं ना कहीं केटायन का नंबर ज़्यादा था। ड्यू टू दिस रीज़न दिस टाइप डिफेक्ट इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट या केटायन एक्सेस डिफेक्ट। अब देखिए, जब वह इलेक्ट्रॉन आएगा जिस पोजीशन पे, जिस होल पे वो एनायन वैकेंसी को ऑक्युपाइड करेगा, उस सेंटर को हम एप सेंटर कहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहते हैं हम उसको? कहते हैं एप सेंटर। क्या होता है एप सेंटर, इसकी भी बात अभी हम लोग करेंगे। तो उस सेंटर को एप सेंटर, या किसी किसी बुक में उसको क्या कहते हैं, कलर सेंटर, उसको कलर सेंटर। अब बात ये आती है कि क्यों उसको कलर सेंटर कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि क्यों उसको हम कलर सेंटर कहते हैं, फिर आप ये डिफिनीशन लिखिएगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, तो क्रिस्टल को अगर हम हीट किए तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है,
एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब उसको फिर से कूल करते हैं क्रिस्टल को, तो वह नॉर्मल स्टेज में आता है। तो जब नॉर्मल स्टेज में आता है तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो रेडिएट होने लगती है, और जब एनर्जी रेडिएट होती है तो वो कलर देती है, और इसी कारण क्रिस्टल कलरफुल हो जाता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस एफ सेंटर इज आल्सो कॉल्ड कलर सेंटर, पूरे क्रिस्टल को कलरफुल बना देता है। क्वेश्चंस कहीं कहीं पूछता है कि क्यों इसको कलर क्रिस्टल कहते हैं या क्यों कलरफुल हो जाता है, तो ये रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब हीट किया जाता है, और जब एनर्जी रेडिएट करता है तो कलर देता है, और जब कलर देता है उसी के कारण क्रिस्टल का रंग चेंज हो जाता है। यही कारण है कि हमारा LiCl यानी लिथियम क्लोराइड येलो कलर का होता है। वो सारी चीज़ें तो अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। सबसे पहले आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए। हमने लिखा है इफ इन ए क्रिस्टल एनायन इज मिस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, यदि किसी क्रिस्टल में एनायन अपनी पोजीशन से मिस हो जाए एंड लिविंग ए होल, और एक होल को छोड़ दे, देन क्रिस्टल बिकम मेटल एक्सेस, तो इस तरीके का क्रिस्टल कैटायन एक्सेस मात्रा में हो जाएगा या मेटल एक्सेस, एंड हेंस फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द कैटायन एनायन रेशियो, कैटायन एनायन के रेशियो को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड एनायन होल, इलेक्ट्रॉन एनायनिक होल को ऑक्युपाइड करता है। ड्यू टू दिस क्रिस्टल बिकम न्यूट्रल, ड्यू टू दिस रीजन, यहाँ पे रीजन लिखिए, ड्यू टू दिस रीजन क्रिस्टल बिकम न्यूट्रल, इस रीजन से क्रिस्टल फिर से इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेता है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन व्हिच ऑक्युपाइड प्लेस ऑफ होल इज कॉल्ड एब्सेंटर और कलर सेंटर, उस पोजीशन को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस होल को कवर करता है उस सेंटर को हम एब्सेंटर या कलर सेंटर कहते हैं। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। और दूसरी चीज, इफ यस सेंटर के आने से क्रिस्टल में क्या क्या चेंज होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरिएशन होती है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एब्सेंटर का अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें एब्सेंटर डिफेक्ट जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है दिस टाइप डिफेक्ट इज फाउंड मोस्टली इन सॉलिड व्हिच कंसिस्ट शॉटकी डिफेक्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा एब्सेंटर डिफेक्ट है या कलर सेंटर डिफेक्ट है या मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो एनायनिक के द्वारा प्रोड्यूस होने वाला डिफेक्ट है, इस डिफेक्ट को मोस्टली उसी सॉलिड में देखा गया जहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट पाया गया। क्यों? क्योंकि शॉटकी डिफेक्ट मेनली एल्केली मेटल में पाया जाता है, जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, तो एब्सेंटर इफेक्ट भी एफ सेंटर डिफेक्ट को भी उसी में पाया गया। एग्जाम्पल अभी हम लोग बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कैसे कलर देता है, अच्छे से एकदम डायग्रामेटिक तरीके से। लेकिन बात करते हैं अगर एब्सेंटर का मतलब क्या होता है, आप लोग बार बार एब्सेंटर यूज़ करते हैं बट इसका मतलब नहीं जानते। एब्सेंटर का मेन मतलब होता है फॉरबेंजेंटर, ये देखिए हमने लिखा है फॉरबेंजेंटर सेंटर। फॉरबेंजेंटर वर्ड एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर या कलरफुल या कलर होल। क्लियर? फॉरबेंजेंटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कलर सेंटर, इसीलिए एब्सेंटर कहते हैं, क्योंकि इसका सीधा डायरेक्टली मीनिंग निकाला जाता है कि कलर सेंटर से। अब दूसरी चीज, मैंने आपको बताया कि जिस क्रिस्टल में ये एब्सेंटर डिफेक्ट पाए जाते हैं उसमें कई सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, देखिए मैंने बताया कि एब्सेंटर डिफेक्ट में क्या होता है, एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ता है, उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आके उसकी पोजीशन को कवर्ड कर लेता है। अगर इलेक्ट्रॉन आके उसकी पोजीशन कवर्ड किया तो कहीं ना कहीं वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति हुई ना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस क्रिस्टल बिकम पैरामैग्नेटिव। पहले तो वो डाइमैग्नेटिव रहते हैं बट ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, ये उस क्रिस्टल को क्या बना देता है, पैरामैग्नेटिव। पैरामैग्नेटिव क्या होते हैं, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस हो। दूसरी चीज, मैंने बताया कि जब ये रेडिएशन यानी रेडिएट एनर्जी को रिलीज करता है तो कलर छोड़ता है, ड्यू टू दिस रीजन क्रिस्टल बिकम कलरफुल। सो वी कैन से क्रिस्टल बिकम फोटो कंडक्टर, एब्सेंटर की स्थिति से एक क्रिस्टल फोटोकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ये चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन शॉटकी डिफेक्ट एंड एब्सेंटर डिफेक्ट, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही टाइप के कंपाउंड में दोनों पाए जाते हैं। देखिए शॉटकी डिफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, आप फ्लैशबैक में जाइए तो आपको याद आएगा। शॉटकी डिफेक्ट में हमने पढ़ा था कि कैटायन और एनायन सेम नंबर में अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, बट
इन केस ऑफ एब्सेंट्री डिफेक्ट हेयर इज ओनली एनायन इज मिस्ड इन दियर पोजीशन। यहाँ पे केवल एनायन अपनी पोजीशन छोड़ रहा है, यानी कि शॉटकी में कैटायन और एनायन सेम नंबर में छोड़ते थे, बट इन द केस ऑफ मेटल एक्सेस एनायनिक वैकेंसी डिफेक्ट में केवल एनायन छोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। आप स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर हम और आगे आपको इसका एग्जाम्पल देके खूब अच्छे से डायग्रामेटिक समझाएं और 100% आपको क्लियर होगा। बात करते हैं एब्सेंट्री डिफेक्ट के एग्जाम्पल की। तो हमने बोला कि ये मोस्टली एल्केली मेटल में पाए जाते हैं, जिसमें शॉटकी डिफेक्ट भी पाए जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा लिथियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड है। बात करें इसके डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन की, तो सबसे पहले हमने एक क्रिस्टल लिया, नॉर्मली आप इसी पे फोकस करिएगा, जिसमें हमने Li प्लस और Cl माइनस दो तरह के आयन लिए, कैटायन और एनायन। अभी ये न्यूट्रल है, बट मैंने क्या बताया कि इन द केस ऑफ एब्सेंट्री डिफेक्ट या एनायनिक वैकेंसी में क्या होता है, कोई एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ दे, यहाँ से कोई एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ दे। हमने माना कि ये एनायन है, इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी और यहाँ पे क्या आ गया, होल आ गया, यानी कि यहाँ पे होल आ गया, हम इसको मिटा दे रहे हैं। इसने अपनी पोजीशन छोड़ दी, अब इसने अपनी पोजीशन छोड़ी और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ये कैटायनिक बन जाता है, ये जो हमारा क्रिस्टल है मेटल एक्सेस बन जाता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है। बट ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है और ये क्यों अपनी पोजीशन क्लोरीन छोड़ता है, ये बात भी तो जाननी जरूरी है। तो देखिए क्यों छोड़ता है, ये हम मान लिए कि इस क्रिस्टल के चारों ओर लिथियम वेपर है। ये देखिए हमने क्या लिखा है, लिथियम वेपर, देखिए लिथियम वेपर है। जब ये क्लोरीन लिथियम वेपर की जब इसको हम हीट किए तो ये क्लोरीन लिथियम वेपर से जाके जुड़ जाता है, देखिए LiCl, ये देखिए। तो ये बनाता क्या है, ये क्लोरीन, क्योंकि निगेटिव आयन है, लिथियम जो वेपर है ये ना कैटायन है ना एनायन, एज ए न्यूट्रल फॉर्म में है, ये क्लोरीन इससे जुड़ता है तो LiCl का फॉर्मेशन होता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अब जो क्लोरीन यहाँ पे गया था उसकी पोजीशन खाली थी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाता है। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि क्यों ये इलेक्ट्रॉन आया और क्यों क्लोरीन गई। ये हमारे चारों तरफ क्या है, क्लोरीन वेपर, क्लियर। अब दूसरी चीज़, सॉरी क्लोरीन नहीं, लिथियम वेपर। अब दूसरी चीज़ ये कि कलर क्यों देता है, और एक चीज़ और ये जो ये LiCl है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल में आ जाता है, यानी कि जो एब्सेंटर्ड, ये जो बनाता है इसको हम क्या कहेंगे, एब्सेंटर्ड होल कहेंगे या क्या कहेंगे, कलर सेंटर कहेंगे। तो ये क्यों कलर सेंटर कहलाता है, ये क्रिस्टल को पिंक कलर बना देता है। क्यों क्रिस्टल पिंक कलर का बन जाता है, क्योंकि ये जब हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एग्जॉर्ब करता है, बट जब धीरे धीरे कूल करते हैं, नॉर्मल स्टेज में लाते हैं, तो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, और जो कलर देता है उस वजह से पूरा क्रिस्टल कलरफुल हो जाता है, इसलिए इसका कलर पिंक होता है। बात करें NaCl के केस में, तो NaCl का कलर येलो होता है हमारा। फिर बात करें KCl के केस में, तो वायलेट कलर। क्वेश्चंस आ जाते हैं कि क्यों LiCl पिंक कलर देता है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंटर डिफेक्ट। NaCl येलो कलर देता है, KCl वायलेट। तो यहाँ से आई होप आपको मेटल एक्सेस डिफेक्ट में ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी वाला पूरा पोर्शन क्लियर हुआ होगा। अब एक दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे इसी मेटल एक्सेस में, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एंट्रिंग। जब एक्स्ट्रा कैटायन एंट्री कर जाए क्रिस्टल में, तो ये दूसरे टाइप से अराइज करता है, किसको, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को। तो आइए देखते हैं दूसरे टाइप के मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें, तो मैंने बताया कि जब कोई एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल पोजीशन पे आ जाता है, तो इस टाइप का डिफेक्ट उत्पन्न होता है। देखिए सबसे पहले इसमें होता क्या है, सबसे पहले हमने एक क्रिस्टल लिया, A+B- यानी कैटायन और एनायन के फिक्स रेशियो से मिलकर बना है। अब मान लीजिए इंटरस्टीशियल स्पेस की बात करें, तो ये जो पोजीशन है ये क्या हमारा इंटरस्टीशियल स्पेस, ये जो पोजीशन है, क्लियर। अब कोई कैटायन अगर इस पोजीशन पे आ जाए, यानी कि कैटायन हमारा A+, मान लीजिए यहाँ पे A+ आ गया, और इसके नाइबरिंग इंटरस्टीशियल स्पेस में, इसके नाइबरिंग इंटरस्टीशियल स्पेस की बात करें, तो ये है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब बात करते हैं कि जब ये कैटायन इंटरस्टीशियल प्लेस पे आया, तो इस क्रिस्टल में कैटायन बढ़ गया एनायन के कंपेरिजन में, और कैटायन मतलब मेटल, कैटायन से ही तो मेटल को कोरिलेट करते हैं, तो यानी कि मेटल एक्सेस हो गया। ड्यू टू दिस रीजन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टीशियल पोजीशन। अब बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्यों आया,
और कहाँ से आया? तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इसलिए आया ड्यू टू इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ना बिगड़े इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन आया। कहाँ से आया ये देखते हैं। अगर हम बात करें इस टाइप के डिफेक्ट की तो ये जिंक ऑक्साइड में पाया जाता है। अब जिंक ऑक्साइड में हमने एग्जांपल लिया, देखिए जिंक ऑक्साइड जब इसको हमने हीट किया तो Zn2+ + 1/2 O2 में ये टूटा। अब क्यों इसको हीट किया, मान लीजिए यहाँ पे किनारे किनारे हमने वेपर दिया या हीटिंग किया, तो जब ये Zn2+ में गया तो दो इलेक्ट्रॉन भी तो छोड़ा, यानी इसका कैटायन क्या हुआ, Zn2+। तो यहाँ पे अगर बात करें हम कैटायन आएगा तो यहाँ पे Zn2+ हम मंगा लें, और बात करें ये दो इलेक्ट्रॉन तो यही दो इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे यहाँ पे आ गए। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बैलेंस कर ली, यहाँ 2+ है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, बट अगर ये इलेक्ट्रॉन ना रहे तो यहाँ पे मेटल यानी कैटायन की नंबर ज़्यादा है। ड्यू टू दिस रीजन दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए जब यहाँ पे जिंक ZnO यानी जिंक ऑक्साइड को हीट किए तो ये येलो कलर में बदला और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ½ O2 और Zn2+। बट जब इसको हम दोबारा कूल किए यानी कि फिर से इसको नॉर्मल स्टेज में लाए तो ये फिर से अपने व्हाइट कलर में एज इट इज आ गया। तो ये चीज़ हुई, यानी कि जिंक ऑक्साइड का कलर क्यों उत्पन्न हुआ, इस डिफेक्ट के कारण। किस डिफेक्ट के कारण, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के कारण। और क्या कौन सा रीजन है जो अराइज किया है डिफेक्ट, तो एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल स्पेस। आई होप ये पूरी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो सबसे पहले आप लीजिए वीडियो का स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बात करते हैं आगे के टॉपिक की। तो आई होप आपको पूरी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग अब हर चैप्टर पढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स और कुछ क्वेश्चंस आंसर डेली मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो की इन्फॉर्मेशन और कुछ दिन में आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का एक पार्ट था। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो थैंक यू।